एक दिन भैया और बहन में बहस हुई है, तब भैया समझा करके बहन से बोला है कि भैया बहन में चल पढ़ो और भैया के देश चल पढ़ो। भैया ने जवाब दिया है, बहना आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, और आपको याद नहीं है जब मैंने आपका विवाह किया था तो बहुत पैसा खर्च किए, पर इस आनंद से आपकी मैंने डोली निकाली थी। उस दिन की बहन याद करो, जब भैया ने ये शब्द कहे हैं तो बहना ने जवाब दिया है, रुको रहा भैया सुना भैया ने कही, बहना उस दिन की याद करो जिस दिन मैंने तुम्हारा विवाह किया। तो बहना ने जवाब दो, भैया तुमने ब्याह करो का एहसान कर दो का हमारो है, तुम्हें जाना पता है कि 20 साल है तुम्हारे घरे रहे, हमने सब कुछ करो, वैसी आसानी लगाई खेत में करो, सब काम करो, भाभी के संग करवाओ, अगर बादल को भैया हिसाब जोड़ो जाए तो हमने बहुत रुपया कमाए दो, तुमने जाना जाना हमारी शादी में 4 लाख लगाए दो, 5 लाख लगा दो। बहना ने बात काट दी, भैया ने दोबारा से फिर बहना से किया है, बात नक्की होता कर मेरी बहना याद न तेरो जवाब दो। भैया ने बहना उस दिन की याद करो जिस दिन मैंने तुम्हारा बात भरा था जब तुम्हारी देवर की शादी हुई थी। तो आज बहना भैया ने जवाब दिया है, बहना उस दिन की याद करो जिस दिन तुम्हारी देवर की शादी हुई तो हम बात लेकर के गए थे यार है बहन। तो बहना ने जवाब दिया है, सुनो भैया भैया ने जवाब दो, बहना हमने भात भरोस दिन की याद भूल गई है। तो बहना ने जवाब दिया है, भैया आपको याद नहीं है तुमने भात भरो एक साड़ी ले गए तो कह एहसान करे भाज है कि हम अपने माता पिता की संतान है, अगर आपकी खेती में हम आदो बटवा लेते तो भैया तुम का करते, बोला बोला तुम का करते। तो कहा भी जाता है तो भैया हार गया, भैया हार गया है, भैया बहन में जाल पढ़ो भैया के देश जाल पढ़ो। और इसी के बीच में 100 मुद्राओं का दान हमारे भैया विपन्न कुमार